तो यार आज मेरे पास है दो गिलास और जैसे कि मैंने नंबरिंग कर दिया थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा और अंदर में एक हैंक यानी कि रुमाल। अब हम सबसे पहले जिस गिलास में रुमाल है उसको बाहर करके हम रख देते हैं। तो अभी देख सकते हैं जिस गिलास के अंदर रुमाल है उसका नंबर है 1 और जो खाली है उसका नंबर है 2। अब हम जब भी मैजिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, जस्ट 1, 2 and 3। आप देख सकते हैं यार मैजिकली जो है एक नंबर ग्लास से दूसरे ग्लास में आ गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस ग्लास में किसी का कोई छेद है तो आप हर साइड को चेक कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई भी छेद नहीं है, नीचे में भी किसी का कोई छेद नहीं है, बिल्कुल ग्लास सॉलिड है। और अगर दो नंबर ग्लास देखेंगे तो दो नंबर ग्लास में भी देखिए कोई भी छेद वगैरह कुछ भी नहीं है। तो गाइस बहुत यूनिक ट्रिक है, चलिए और एक बार मैं दिखाता हूँ फिर मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे होता है। तो गाइस और एक बार हम ट्रिक को दिखाएंगे, तो देख सकते हो दो नंबर ग्लास से मैं रुमाल को बाहर कर लेता हूँ और फिर एक नंबर ग्लास के अंदर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक नंबर पे है, दो नंबर पे बिल्कुल खाली है और मेरे हाथ में कोई ट्रिक नहीं है। आप गौर से देखना, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो जस्ट मैजिकली ग्ली ग्ली चू अब्राकाडाब्रा 1, 2 and 3। तो यार देख सकते हो आप कि जो ग्लास था हमारा एक नंबर ग्लास में रुमाल था, बट एक्चुअली अभी हमारा जो हैंक यानी कि रुमाल है वो दो नंबर ग्लास में आ गया है। तो कैसे होता है ये मैजिक गाइस? तो चलो अब हम सीखेंगे इस मैजिक के पीछे का राज क्या है, यानी कि इस मैजिक को कैसे आप भी कर सकते हो। तो इस चैनल पे मैं ऐसे ही आप लोगों को जादू यानी कि मैजिक दिखाता हूँ और फिर मैं आपको सिखाता भी हूँ। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो यार क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल जरूर कर लेना है क्योंकि मैजिक सीखना है ना। और हाँ, अगर आज का ये मैजिक ट्रिक आपको अच्छा लगा है तो यार एक लाइक के बिना बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल लाइक करके जाना। और तो चलो यार अब हम सीखेंगे इस मैजिक के पीछे का राज क्या है, यानी कि इस मैजिक को कैसे आप भी कर सकते हो। तो एवरीवन, इस मैजिक को करने के लिए हमें जो चाहिए वो है हमारा दो ग्लास चाहिए आपको, और चाहिए आपको एक हैंकी यानी कि रुमाल। तो रुमाल ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, हल्का पतला सा रुमाल लेना है। और इस मैजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इनविजिबल थ्रेड, यानी कि बिना देखने वाला धागा। देख सकते हो मुझे भी देखने को नहीं मिल रहा था अभी, तो ये इतना हल्का पतला होता है आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आपको ये सारे चीज़ मंगाना हो या इनविजिबल थ्रेड मंगाना हो या कोई भी मैजिक का आइटम मंगाना हो तो हमारे शॉप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ से सामान मंगा सकते हो। कॉन्टेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये फ़ोन नहीं लगता कभी कभी। तो आपको चाहिए कैंची और मैं आपको समझाने के लिए एक पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको किसी भी एक गिलास का नीचे का हिस्सा आपको काट कर लेना है, मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का थोड़ा सा हिस्सा आपको काट कर लेना है ग्लास का। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने निशान दिया ये इतना सा आपको छोटा सा एक काट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको काट कर लेते हैं। ऑलरेडी गाइस देख सकते हैं मैंने इसमें छोटा सा एक छेद बना लिया है, जैसे कि शायद आपको देखने को मिल रहा होगा इस पोजिशन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक होल बना लिया है। अब आपको जो करना है वो है हैंकी में आपको धागा फिट करना है, यानी कि हमारा जो इनविजिबल थ्रेड रील है इसको आपको फिट करना है किसी भी एक कॉर्नर में। तो जैसे कि मैं इस कॉर्नर में एक इनविजिबल थ्रेड रील इसमें टाइट करके बांध देता हूँ। तो यार इनविजिबल थ्रेड से आपको समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा कलरफुल धागा ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए ट्रिक कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो किसी भी कॉर्नर में आपको धागा से टाइट करके बांध देना है। ठीक है, तो चलो इसको फटाफट हम बांध लेते हैं और इस तरीके से आपको टाइट करके बांध लेना होगा। और जो मैंने दूसरा गिलास आपको दिखाया जिसमें मैंने छेद किया, उस गिलास के अंदर से आपको इस छेद के बाहर कर लेना है कुछ ऐसे। ठीक है, लेकिन ये धागा यूज़ नहीं करना है यार, ये आपको इनविजिबल थ्रेड यूज़ करना है। अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडी सिस्टम। आप चाहो तो इसके आखिर में एक सेफ्टी पिन या कोई भी पिन लगा सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार देख सकते हो मैं ये पिन यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं दूसरे साइड को क्या करूँगा ना, इसमें किसी भी जगह पर डाल के इसको लॉक कर दूँगा, यानी कि बंद कर दूँगा, गट्ठा लगा दूँगा। तो यार ये हमारा ऑलमोस्ट गिमिक रेडी, आप इसको चाहो तो परफॉर्मेंस कर सकते हो। आप इसको कैसे दिखाना है उसके बारे में चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्लास है इस ग्लास से आपको रुमाल को बाहर कर लेना है, धागा अंदर से रहेगा और फिर आपको जो करना है इस गिलास के अंदर डाल देना है इसको। ठीक है, दूसरे गिलास में, वन सेकेंड, ऐसे, और फिर आपको इस गिलास को इसमें डालना है, वॉच। और फिर आपको इस चीज़ को देख लेना है कितना बड़ा हो रहा है, अगर बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा काट के आप छोटा कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ और इस धागे को पकड़ के मैं पीछे यहाँ तक निशान ले लेता हूँ। तो हमें इतना सा धागा चाहिए, तो हम जो है बाकी जो इतना धागा है मैं आपको दिखा दूँ, ये जो धागा है इसको हम काट कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है इसलिए मैंने आपको भी करके दिखाया। अब यहाँ पर काट कर देंगे और ये जो क्लिप है इसको हम यहाँ पर बांध देंगे। तो अभी हमारा गिमिक बिल्कुल रेडी है। अब आपको इस चीज़ को जो है आपके बेल्ट, अगर होता है तो बेल्ट में, अगर बेल्ट नहीं है तो पैंट के साथ भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। ओके,
तो इस तरीके से हम टाइट कर देते हैं। अब हमें पकड़ना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो धागा है, ये धागा आपके ये जो थंप है, थंप और उंगली के बीचों बीच जाएगा इस साइड से, ठीक है। और आपको कुछ ऐसे पकड़ना होता है। अब यहाँ से आप मैजिक को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले तो इस तरीके से गिलास को बाहर किया, फिर ऐसे रखा और दिखाया कि देखिए मेरे पास दो गिलास है, एक गिलास जो हमारा लेफ्ट में है उस गिलास में रुमाल है, और जो राइट साइड में है उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली। आप जब भी आप हाथ को आगे लेके जाएंगे तो देखेंगे कि आपका जो रुमाल है वो इस गिलास में आ रहा है। बट एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे लोग कहते हैं आप तो दिखा देते हो, मेरे साथ नहीं होता है भाई, हम करते हैं तब नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर भी एक चीज हो रहा है, गिलास में आके रुमाल अटक गया है, बाकी रुमाल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारा रुमाल जो है बड़ा हो चुका है और गिलास जो है बहुत ही छोटा हो चुका है। ऐसे भी हो सकता है, अगर आपका रुमाल से गिलास छोटा है तो आपको जो करना है वो है, आपको इस रुमाल का एक कॉर्नर में टाइट नहीं करना है, आपका कॉर्नर बाय कॉर्नर को पकड़ना है और इन दोनों को अच्छे तरीके से बांध देना है, यानी कि दोनों कॉर्नर को बांध देना है। अगर आप दोनों कॉर्नर को बांध देते हैं, अगर आपका गिलास छोटा है तो, और अगर आपका गिलास छोटा नहीं है, बड़ा गिलास होता है और आपका रुमाल छोटा होता है, तो आपको एक कॉर्नर में बांधने से भी हो जाएगा कोई ना, ठीक है। और अगर आपका रुमाल छोटा बड़ा है और गिलास छोटा है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो देखो आप एक्चुअली परफेक्ट मैजिक हमारा होगा। तो हम इस गिलास के अंदर डाल देते हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं, ओके। तो हमारा गिमिक ऑलमोस्ट रेडी, बिल्कुल रेडी, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल रेडी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि देखिए मेरे पास दो दो गिलास है, ओके। लेफ्ट साइड में गिलास में रुमाल है और राइट में खाली। अब जस्ट 1, 2 एंड 3, तो देख सकते हो यार एक्चुअली हमारा जो रुमाल है वो जाम करके यहाँ से यहाँ आ गया। तो बहुत आसान सा तरीका है, इसके लिए सिर्फ आपको यूज करना पड़ेगा इनविजिबल थ्रेड ड्रिल, जिसके माध्यम से आप इजीली स्ट्रीक को कर सकते हो। और जस्ट हाथ को जब भी आप आगे लेके जाएंगे तो देखेंगे रुमाल आपका जाम करके दूसरे गिलास में आ जाता है, ठीक है। तो यही ट्रिक है गाइस, बहुत आसान है लेकिन है बहुत ही मजेदार। तो आज का ये मैजिक आपको कैसा लगा वो तो आप कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले, और लाइक अगर नहीं किया तो यार कर देना बिल्कुल। और हाँ, जादू सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल कर लो। वीडियो आ चुका है इंडी स्क्रीन में, बहुत सारे नया मैजिक, तो जाओ जाकर देखो। अगर नहीं देखा है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय। Yeah.